डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल तुसी लगातार जुड़े हुए हो। मैं मनदीप कौर संधू एक बार फिर तो हाजिर हो गई हाँ। यह वड्डी खबर जुड़ी हुई है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां दे नाल, जो कि 22 अगस्त नूं 46 वार्डां दे लई जिहड़ियां चोणां होईयां सन, तां इस दौरान अज सवेर तो ही जिहड़े वोटां दी गिणती सवेरे 8 बजे तो शुरू हो गई सी। लगातार रुझान आउणे शुरू हो गए ने। दस दिंदे हां कि 312 उम्मीदवार दिल्ली चोणां दे विच अपनी किस्मत अजमा रहे ने, और इस दौरान 5 जिहड़े ने मतदान केंद्र बनाए गए ने जिन्हां दे विच वोटां दी गिणती जारी है। मुख मुकाबला श्रोमणी अकाली दल बादल, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, पंथक सेवा दल और जागो पार्टी दे विचकार मुख मुकाबला मन्या जा रहा है। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा इस दौरान लीड करते हुए नजर आ रहे ने, और इस दौरान जेकर गल की जाए तो 22 अगस्त को जिहड़ियां चोणां होईयां सन, हालांकि पहला जिहड़ी सी मार्च 2021 दे विच जिहड़ा इस कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया सी, पर कोविड-19 दे करके जिहड़ियां सी चोणां मुलतवी कीते गईयां सन। पर इस दौरान हुण 22 अगस्त को चोणां करवाईयां गईयां सन। इस दौरान अज जिहड़े नतीजे ने ओह आउणे शुरू हो गए ने। एतवार को 46 वार्डां दी वोटिंग का काम जिहड़ा सी नेपरे चढ़ गया सी, और इस दौरान दिल्ली के 3,42,000 जिहड़े वोटर ने वो 312 उम्मीदवार की किस्मत दा इस वेले फैसला कर रहे हैं। दस दिने कि इन्हां विचों 180 उम्मीदवार ने रजिस्टर पार्टियां दे वल्लों ने, जबकि 132 आजाद उम्मीदवार वजो किस्मत अजमा रहे ने, जिन्हां च औरत वोटर की गिनती की जाए तो 1,71,370 ने, और पुरुष वोटर की गिनती 1,70,695 है। और इस दौरान जेकर असी गल करिए मनजिंदर सिंह सिरसा होना दी, तो उन्होंने प्रधानगी कदों मिलती है। हालांकि दस दें कि पिछलिया चोणों के श्रोमणी अकाली दल 2013 और 2017 के फर्क के नाल जितते आए ने, और हुण उस तो बाद भ्रिष्टाचार के इल्जाम मनजीत सिंह जी के जिहड़े घिर जांदे ने, और उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बादल दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो उन्होंने बाहर का रास्ता जिहड़ा दिखा दिता जांदा है, जिस तो बाद मनजिंदर सिंह सिरसा नूं कमेटी की प्रधानगी मिल जाती है, और इस दौरान सिंह कालका नूं जनरल सकत्तर सौंपया गया सी। उस तो बाद हुण इस दी जिहड़ियां चोणां हो रहियां ने, और चोणां दे विच वड्डे फर्क दे नाल मनजिंदर सिंह सिरसा अगे वधदे हुए दिखाई दे रहे ने। कौन कित्थों बाजी मारिया इह वी तुहानूं जरूर दस दिंदे आ। मनजीत सिंह जी के जो कि है अपने वार्ड नंबर 38 तो ग्रेटर कैलाश तो 661 वोटां दे नाल जित चुके ने। जैसमिन सिंह नोनी जो कि अकाली दल बादल दे नाल संबंधित है, वह भी जिहड़े ने विवेक विवहार वार्ड नंबर 43 तो जितते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान सुखविंदर सिंह बब्बर जो कि श्रोमणी अकाली दल बादल दे नाल संबंध रखता है, 44 वार्ड नंबर गीता कलोनी तो जित चुके ने। परविंदर सिंह लक्की यह भी एक श्रोमणी अकाली दल बादल नाल संबंधित ने, यह अपने वार्ड नंबर 41 तो नावीन शहादा तो जिहड़े ने जितते हुए नज़र आ रहे हैं, और लगातार लीड बनाए हुए ने मनजिंदर सिंह सिरसा 500 वोटों के नाल, जो कि वार्ड नंबर 9 पंजाबी बाग तो जिहड़ा उम्मीदवार सन, तो इस दौरान अपनी किस्मत अजमा रहे ने। दस दें कि 46 वार्डां ने जिहड़ियां सी चोणां होईयां सन, तो इस दौरान हुण 5 गेड़ां 'च जो चोणां हो रहीयां ने नतीजे आउणे हुण तक शुरू हो चुके ने। तस्वीर जिहड़ी इस वेले तुहानूं दिखाई दे रही है, कौन किवें कित्थे अगे चल रिहा पूरी जानकारी तुहानूं नाल सांझा करांगे। वार्ड नंबर 8 तो शाहपुर बस्ती तो रमीत सिंह ने, जो कि श्रोमणी अकाली दल बादल नाल संबंध रखते ने, लीड कर रहे ने इस वेले। वार्ड नंबर 9 तो मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाबी बाग तो ने, जो इस वेले 500 वोटां दे वड्डे फर्क दे नाल अगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वार्ड नंबर 10 तो गुरु हरकृष्ण तो सुरजीत सिंह जीती जो ने श्रोमणी अकाली दल बादल तो दे लई मैदान चोन मैदान च उतरे सन, लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वार्ड नंबर 14 तो जो कि कनॉट प्लेस है, अमरजीत सिंह पिंक जो कि उत्थे लीड करते हुए श्रोमणी अकाली दल बादल दे वलों लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वार्ड नंबर 19 तो हरिनगर तो जिहड़े तजिंदर सिंह ने, वो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली
तो उतरे हुए सन तो वह अगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वार्ड नंबर तो भी तो जड़े श्रोमणी अकाली दल बादल दे अमरजीत सिंह पप्पू ये लीड करते हुए इस वेले नज़र आ रहे हैं। और इस वार्ड नंबर 22 तो शाम नगर तो उतरे हुए सन हरजीत सिंह, सो ये श्रोमणी अकाली दल बादल दे वलों लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे वलों लीड करते हुए तिलक नगर वार्ड नंबर 25 तो जतेंद्र सिंह सोनू ने वो लीड करते हुए इस वेले नज़र आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल बादल दे वलों कृष्णा पार्क तो वार्ड नंबर 29 तो जगदीप सिंह कालो मैदान च उतरे हुए ने लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल तक तो श्रोमणी अकाली दल बादल लगातार अगे वाधा होया जा रहा, हालांकि मनजीत सिंह जी के ने वड्डी लीड जी हासिल की है 661 वोटों के नाल वो जित चुके ने ग्रेटर कैलाश तो। इस दे नाल ही हरमीत सिंह कालका जिहड़े ने वो लीड करते हुए 39 वार्ड नंबर तो नज़र आ रहे हैं। दूसरे पासे जिहड़ी है अदरस पार्टियां दे नाल संबंध रखते ने तरविंदर सिंह मरवा जो कि वार्ड नंबर 40 तो उतरे सन लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वार्ड नंबर 42 तो दिलशाद गार्डन तो बलबीर सिंह श्रोमणी अकाली दल बादल दे वलों लगातार जिहड़े ने अगे वधदे हुए ने। हालांकि दस दिंदे हां कि हाल तक जिहड़ी है मनजीत सिंह जी के ने जिहड़ी इस दौरान जिहड़ी जित जरूर हासिल की है। और ये भी तुहानू दस दिंदे हां कि मनजीत सिंह जी के जिहड़ा सी भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद जिहड़ा सी बाहर कढ़िया गया सी, और उस तो बाद मनजिंदर सिंह सिरसा नू श्रोमणी कमेटी की जिहड़ी प्रधानगी मिली सी अते सिंह कालका नू जिहड़ा सी जनरल सकत्तर सौंपिया गया सी। और इस दौरान एक बार तुहानू दोबारा तो जरूर दस दिंदे हां कि दिल्ली सरकार दे डायरैक्टोरेट ऑफ गुरद्वारा इलैक्शन की जिहड़ी स्थापना सी वो 1974 दे विच हुई सी। इस दे लई देश दी संसद च एक एक्ट पास किया गया सी जिसनू दिल्ली सिख गुरद्वारा एक्ट 1971 दे तौर ते जाने जांदा है। ये एक्ट दिल्ली दे गुरद्वारियां दे उन्हां दे नाल जुड़ियां जायदादां दी देखभाल ते प्रबंध अते नियम ते दिशा निर्देश जिहड़ा तय करदा है। और इसे दौरान जिहड़ा दिल्ली सरकार दे गुरद्वारा चोन बोर्ड वलों जारी अंकड़ियां मुताबक सिख वोटरां दे जिहड़े ने 546 पोलिंग बूथा उपर जाके अपने जमहूरी अधिकारां दे उन्हां दे वलों वरतों की गई सी। और इस बार सूचियां च 80% सिख वोटां दे नाल जो तस्वीरां भी छपियां सन जिस करके जाली वोटां भुगतौना भी बड़ा औखा है। पंजाबी बाग हल्के की असीं गल करिए तो सब तो वध जिहड़ी वोट है इत्थे पोलिंग हुई है 54.10% पोलिंग हुई है। सब तो घट जिहड़ी वोट फीसद है वो 25.18 शाम नगर विच रही है। और इस दे नाल ही एतवार नू 46 वार्डां दे लई चोणां हुई सन, और इस दौरान दिल्ली दे 342,000 वोटर जिहड़े ने वो 312 उम्मीदवारां दी किस्मत दा जिहड़ा इस वेले फैसला करदे हुए नज़र आ रहे ने। और इन्हां दे विच्चों 180 उम्मीदवार ने वो रजिस्टर्ड पार्टियां दे वलों ने, और इन्हां दे विच 132 उम्मीदवार जिहड़े ने आज़ाद उम्मीदवार वजो जी अपनी किस्मत अजमाते हुए जी है नज़र आ रहे हैं। जिन्हें बच्चों से एक बार फिर तो गल करिए औरतों की जी गिनती है इस दौरान जिन्हें औरतों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है उन्होंने वोटों की गिनती असं दस दें तू औरतों की 171,370 है, और व्यक्तियों की पुरुष के गल कर लेने तो 170,695 है। दूसरे पासे से गल करिए तो 5 जिहड़े केंद्र बनाए गए ने, कित्थे कित्थे बने ने भी तुहानू जानकारी दे दिंदे हां कि 5 जिहड़े ने केंद्र बन चुके ने इस वेले दिल्ली सरकार दे दिल्ली गुरद्वारा चोन बोर्ड दे वल्लों कुल पोलिंग होई सी। ते उस दौरान जिहड़े IT तिलक नगर विच बनाया गया, एक खिचड़ीपुर च बनाया गया, दूसरा आर्यापट विच बनाया गया, और इस दे नाल विमन विवेक विहार विच बनाया गया, और एक IT विच पूसा विखे बनाया गया। सो इस दौरान ये जिहड़े गिनती केंद्र बनाए गए ने और 5 गेट दे विच जिहड़ी है वोटां दी गिनती हो रही है। इस दौरान असीं गल कर लैणे तां कुल जिहड़ी है 37.27% वोटां हुई ने, जिन्हां दे विचों पहलां दस चुके हैं कि इन्हां जिहड़ा औरतां ने और मर्दा ने जिहड़ा आ अपने वोट दे अधिकार दा इस्तेमाल किया है। 2017 दी असीं गल कर रहे हैं, 2017 दे विच 45% तों वध जिहड़ियां वोटां पईआं सन। दिल्ली पुलिस दे वल्लों
तीन पड़ा भी सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए पर इस बार जो वोटा ने वो बैल्ट पेपर के नाल हुई सन और बैल्ट बक्सों की सुरक्षा की जी जिम्मेवारी सी वो भी दिल्ली पुलिस के उपर से। हालांकि दस दें कि केंद्र सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए थे। गिनती दे वेले सिर्फ अधिकारिक उम्मीदवार पोलिंग एजेंट ही केंद्र च जा सकते हैं। कोविड नियमों की जी पालना करने की कोशिश जी की गई है। इस दे नाल ही जड़ा सत्त जिहड़ियां धार्मिक पार्टियां जिहड़ियां ने इस वेले चोन मैदान च उतरियां हुई ने पर मुख्य मुकाबला इस वेले श्रोमणी अकाली दल बादल श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जागो पार्टी और पंथक सेवा दल दे नाल है। फिलहाल देखना यह बाकी होगा कि आखिरकार इस वेले दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो नतीजे आ रहे हैं प्रधान कौन जितता है। सो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान इस वेले मनजिंदर सिंह सिरसा ने और उन्होंने जी प्रधानगी मिली हुई सी वह भी चोन मैदान से पंजाबी बाग तो उतरे हुए हैं और इस वेले वड्डी 500 वोटों के लीड करते भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल देखना बाकी होगा कि आखिरकार हुण जितेगा कौन, क्योंकि पिछले लंबे समय तो वोटां नूं लैके जिहड़ी सी जद्दोजहद चल रही सी और इस दौरान कार्यकाल जिहड़ा सी 2021 मार्च च समाप्त हो जांदा कमेटी दा पर कोविड-19 करके जिहड़ी चोणां ने उह मुलतवी रहिंदियां ने। पर उस तों बाद जिहड़ी है ऐलान कीता जांदा है 22 अगस्त नूं जिहड़ा चोणां दा ऐलान हुंदा है। चोणां हो जांदियां ने 46 वार्डां दे लई चोणां हुंदियां ने। इस दौरान 312 उम्मीदवार किस्मत भी अजमाते हैं और अज जिहड़ा किस्मत का पिटारा खुलता कितों कितों नज़र आ रहा है ये तुहानूं हुण दस चुके हैं। पर फिलहाल नज़र सब दियां इस ते टिकिया रहणगियां कि आखिरकार कौन बनेगा दिल्ली सिख गुरद्वारा कमेटी, कौन जिहड़ी चोणां है वह कौन जितेगा। सो फिलहाल किहदे वल्लों जिहड़ा मुख मुकाबला श्रोमणी अकाली दल बादल दिल्ली और जागो पार्टी के विचाले है और कौन बाजी मारदा फिलहाल देखना होगा। हर अपडेट असी लगातार थानू डेली पोस्ट पंजाबी साझा करते रहेंगे। तुसी साडे नाल इस तरीके नाल जुड़े रहना है। हर अपडेट पहले नंबर पर डेली पोस्ट पंजाबी तो हाँ।